प्रदीप चौधरी और सोनीर वडेरा के बाद गोविंद पांडे ALCS में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आए। गोविंद पांडे ने अपनी फिल्मी दुनिया की दौड़ में कई रोचक भूमिकाएं अदा की। गले का और बहुत ही कीमती था। कहाँ चोरी हुआ? मंडावा में। मंडावा में चोरी हुआ? और बावड़े तू यहाँ दिल्ली में ढूंढ रहा है? नमस्कार, मैं गोविंद पांडे। NSD से निकलने के बाद मैंने 2007 से फिल्म करना शुरू किया। कैसी टैची? तेरी माने ना बताया तेरे को कि हम लोग आ रहे हैं शहर में नए डायरेक्टर की डिलीवरी लेने के लिए और वापसी में तेरे को साथ ले जाएंगे। मैं एग्जाम के और मैं लगातार बहुत सारी फिल्में अभी तक कर चुका हूँ। मशीन क्यों बंद कर दी? किसने बंद कर दी? तूने बंद कर दी? यार मशीन ठीक रही है, मशीन खराब चल रही है। खराब चल रही है? कैसे खराब चल रही है? चल रही है, धीरे चल रही है। आने वाले समय में फिल्म पृथ्वीराज चौहान, बंडी बबली 2 जैसी फिल्मों में वे नजर आएंगे। गोविंद पांडे ने अपना ALCS में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उसके उपरांत उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सभी के साथ बांटा। नमस्कार जी, आज मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं। मैं 2 दिन पहले यहां जयपुर में ALCS में आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए और साथ में हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं यहां आया था। मेरे से पहले मेरे दोस्त चौधरी और सुनील वडेरा यहाँ ALCS जयपुर में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आ चुके थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रस्यू किया, उन्होंने ही मुझे जोर डाला कि नहीं आप यहाँ जाइए। और सुनील अरोड़ा जो कि MS हैं, सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं और बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप उन्हीं से कराइए। तो मैं उनके कहने पर यहाँ आया। डॉक्टर सुनील अरोड़ा, अ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, इज द फाउंडर ऑफ ALCS क्लिनिक एंड कंसल्टेंट सर्जन ऑफ CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर। इसमें आकर के मेरी मुलाकात डॉक्टर सुनील अरोड़ा से हुई और जो कि और जब मैं उनसे मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मुझे ये होगा कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की यहाँ आकर के। जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और डॉक्टर साहब पे मेरा भरोसा जगा। अगर मैं गोविंद जी का एरिया ऑफ बॉल्डनेस देखूँ या जिस एरिया में हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके लिए हमें करीब 2 से 2500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोवाइड कराने के लिए। यदि हम उसको वही लो डेंसिटी करते हैं तो वो एरिया हम 1200-1500 ग्राफ्ट में भी कवर कर सकते हैं, बट हम फोकस करेंगे हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट पे, जिसके अंदर की हम 2000 से 2500 ग्राफ्ट उस एरिया में लगाएंगे। फोकस हमारा इसी पर रहेगा कि डेंसिटी हाई हो और वो जो लुक है वो बिल्कुल नेचुरल लगे। डॉक्टर साहब ने जितने टेस्ट वगैरह थे जो मैंने सुने थे, उससे भी अलहदा जो टेस्ट थे वो सारे करवाए। जब वो कन्फर्म हो गए कि मेरे सारे टेस्ट क्लियर हैं और प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है हेयर ट्रांसप्लांट तो होना है, मगर उससे पहले के जो प्रिकॉशन मेरी हेल्थ को प्रिकॉशन को लेकर के बहुत ही जो ज़रूरी टेस्ट थे, जैसे हमने सुना था कि शुगर, BP, AP वगैरह ये कराते हैं, मगर उसके अलावा भी जो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद प्लास्टिक सर्जन हैं, तो उसको प्रिकॉशन को रखते हुए उन्होंने वो सारे किया, तो वो और भी अच्छा लगा मुझे कि डॉक्टर साहब उस बात के लिए बहुत अवेयर हैं अपने पेशेंट की लाइफ के लिए, अपने पेशेंट के हेल्थ के लिए कितना अवेयर है, ये और भी मुझे अच्छा लगा, तो उससे और कॉन्फिडेंस जाएगा मेरा। और एक सबसे अच्छी बात है कि हम मुझे उस बात का आइडिया नहीं था कि हमें तो ये था कि लगा देंगे बाल निकालेंगे दोनों एरिया से और लगा देंगे, इतनी जानकारी थी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि नहीं ये हेयरलाइन होती है और नेचुरल होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा किसी के तो बिल्कुल लाइन से बिल्कुल बने होते हैं, तो उस तरह से नहीं, जैसे ईश्वर भेजता है हमें बना करके, तो जिसकी प्रकृति जैसी होती है वैसे उसके बाल निकलते हैं, तो उसको मेरे बॉडी के हिसाब से उन्होंने उसको डिजाइन किया हेयरलाइन को। The hairline design was made by Dr. Sunil Arora. It is the most important phase of hair transplant where the doctor's aesthetic vision works. Only a doctor who has a great sense of artistry can give a proper natural shape to hairline. मेरा प्रोसीजर परसों 6 घंटे चला और थोड़ा सा एनेस्थीसिया जब दिया गया तो हल्का सा एक सुई जैसे चुभती है बारीक सी, वो थोड़ा सा लगा, उसके बाद तो पता ही नहीं लगा कि कब हो गया और किस तरह से हो गया। बातचीत करते हुए, TV देखते हुए, बीच में ब्रेक लेते हुए, चाय पीते हुए और टॉयलेट जाते हुए, मतलब वो सब चीज़ होता रहा। शाम को मतलब जब ख़त्म हुआ तो मैंने कहा हो गया, कहते हाँ हो गया, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हो गया ये सब चीज़ें। और मैं जगह वहाँ होश में हूँ पर वो एरिया मेरा उन्होंने एनेस्थीसिया दे करके सुन किया हुआ था, मगर बाकी मैं नॉर्मल था, खा पी रहा था। मैं बता रहा जैसे बीच में 2-3 ब्रेक मैंने लिए, मैंने नाश्ता भी किया, मैंने चाय भी पी 2-3 बार,
और मैं टैलेंट भी गया तो पता ही नहीं लगा। जैसा अपने हमने एक्सपेक्ट किया था एक्सट्रैक्शन और उसके हिसाब से अगेन आपका डेंसिटी डोनर एरिया में बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट किए बाल वो भी आराम से 2300-2400 के आसपास किए, और उसके बाद जो अपना डेजिग्नेटेड एरिया था उसमें सारा प्रॉपर स्लिटिंग और सबका डायरेक्शन और डेंसिटी का ध्यान रखते हुए, अगेन फोकस सारा है कि नेचुरल रिजल्ट आना चाहिए हाई डेंसिटी के साथ, जी जी। तो उसके तरीके से किया है। इनफैक्ट जितना जो हमें लगता है कि अपन जिस प्लानिंग से आए थे, हम पे ट्रस्ट करके आए थे यहाँ पे, वो हम पूरी तरह से निभाने में बिल्कुल सफल रहे हैं, और रिजल्ट जब 7-8 महीने में आएगा पूरा तो सबको और अच्छा दिखेगा यहाँ जी 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 बिल्कुल। मुझे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। अभी तक तो सब कुछ अच्छा रहा, तो मुझे लगता है कि अब आगे के जो स्टेप्स हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे। चलिए, जो मोस्ट क्रूशियल और जरूरी चीजें थी वो आज ही होनी थी, आज ही होनी थी, वो आज सब अच्छे से हो गई जी, और जी, अब बस एक अच्छे रिजल्ट का अपन वेट कर रहे हैं। थैंक यू, मैं भी संतुष्ट हूँ और अभी तक के प्रोसेस से, और होता ही है कि एक ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा एक मन में शंका रहती है, तो वो सब मेरे मन से निकल गई, और अभी आप मुझे देख ही रहे हैं कि मैं हंस रहा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। बस मुझे ज़्यादा देर नहीं, कि अभी 5 मिनट हुए मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए हुए, और सब कुछ ठीक हो गया जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं। होप सो कि 3-4 महीने 5 महीने के बाद जो भी मेरे बाल हैं वो वापस बहुत बढ़िया आ जाएंगे, जो चले गए थे आगे की साइड से, दोनों साइड से और बीच में से, तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। और कल मेरा यहाँ पर सेकंड डे, मेरे जो हेड है उसको जो पट्टियाँ थी वो खोल करके और उसमें हेड वॉश हुआ, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं दूसरे दिन भी डॉक्टर साहब के पास आया हूँ यहाँ उनको चेक करवाने के लिए, ज़रूरत तो नहीं थी पर फिर भी मैं आ गया क्योंकि मैं रुका हुआ था, आज शाम को मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। तो मैं ALCS जयपुर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुनील अरोड़ा साहब और उनका जो स्टाफ है 22 लोगों का, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि खेल खेल में बड़े प्यार में, पता भी नहीं लगा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, और उसको चेक भी किया डॉक्टर साहब ने दोनों दिन, तो अच्छा रिजल्ट आने की मेरे को उम्मीद है और आएगा और अच्छा होगा। तो आप सब लोग को जो यहाँ आना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, और बेचक आप आइए, और आप सब लोगों को धन्यवाद, और ALCS जयपुर डॉक्टर सुनील अरोड़ा को दिल से धन्यवाद।